नमस्कार। साल 2019 बीत गया और चुनावी राजनीति 2019 में कैसी रही, इस पर हम एक नजर डालते हैं, रैप अप करते हैं। जितने भी गंदे घटिया नारे और आरोप प्रत्यारोप हो सकते थे सन 2019 चुनावी राजनीति में, उसके लिए जाना जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, चौकीदार चोर है पप्पू, यही सब बस छाया रहा और छाई रही धर्म की राजनीति। साल 2019 भाजपा के लिए एक फिल्म के टाइटल जैसा रहा, कभी खुशी कभी गम, कहां खुशी कहां गम, ये आप देखिए। लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत तो मिला लेकिन राज्यों में भाजपा हारती चली गई, क्या कारण है, इस पर आप खुद भी गौर कर सकते हैं। पहला सवाल, क्या लोकल इश्यूज पर भाजपा हार जाती है? क्या वोटर को यह समझ आ गया है कि जहां तक स्थानीय मुद्दों का सवाल है वहां भाजपा फेल हो रही है? हाल ही में झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना। इससे पहले ये मैप देखिए, 2018 से 2019 तक भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। मार्च 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक कुल 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी और उसके सहयोगी महज 4 राज्यों में सरकार बना पाए और इन 4 में से 3 राज्य पूर्वोत्तर के हैं। इसी दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी 5 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुए और ये सभी 5 राज्य हिंदी हार्टलैंड के थे, जो कि पहले बीजेपी के पास थे, जबकि बाकी के 8 राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने सरकार बनाई। मार्च 2018 में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, जहां त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने बूते पर सरकार बनाई, वहीं मेघालय में कॉनराड संगमा की एनपीपी ने सरकार बनाई जिसे बीजेपी के 2 विधायकों ने समर्थन दिया और सरकार में शामिल हो गए। नागालैंड में एनडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी जिसे बीजेपी के 12 विधायकों ने समर्थन दिया और सरकार में शामिल हो गए। मई 2018 में कर्नाटक में चुनाव हुआ और यहां से बीजेपी के हाथों से सत्ता फिसलती चली गई और कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी। बाद में जो कुछ भी हुआ वो आप जानते ही हैं। दिसंबर में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए, जहां हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी के हाथों से सत्ता निकल गई और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, जबकि तेलंगाना में टीआरएस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और यहां एकमात्र बीजेपी का विधायक जीता और उसने सरकार को समर्थन दिया। इस प्रकार से बीजेपी मिजोरम में भी सरकार में शामिल हो गई। फिर हुए लोकसभा चुनाव, अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारे लगे और बीजेपी ने केंद्र में 303 सीटों के साथ वापसी की। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के भी चुनाव हुए और राज्यों की जनता ने फिर से बीजेपी को लगभग नकार दिया। इन 4 राज्यों में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने बूते पर सरकार बनाई, जबकि आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस जीती और जगनमोहन रेड्डी पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा में नवीन पटनायक लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और बीजेडी की सत्ता में वापसी हुई। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी जिसे बीजेपी ने अपना समर्थन दिया और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुख्यमंत्री बने। 5 अगस्त को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटा दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटने का फैसला किया। एक बना जम्मू कश्मीर, दूसरा बना केंद्र शासित राज्य लद्दाख। और इसके बाद अक्टूबर महीने में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब तक अक्टूबर का महीना आ गया और महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो गई। फिर क्या था, पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गाजे बाजे के साथ अनुच्छेद 370 का मुद्दा जमकर उछाला और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद में अंतिम फैसला आने से पहले ही कह दिया कि राम मंदिर बनने जा रहा है। बीजेपी को लगा कि ये चुनाव वो बड़ी आसानी से इन मुद्दों पर जीत जाएंगे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया जिसे दुष्यंत चौटाला का समर्थन मिला, जिस दुष्यंत चौटाला को और उसके पूरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहा करती थी, उसी की पार्टी जेजेपी के साथ हाथ मिला लिया।
हरियाणा में तो जैसे तैसे सरकार बन गई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में पहली बार एक अजीबोगरीब खेल हुआ। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा पूरी हो गई थी कि शरद पवार ने गेम खेल दिया। अजित पवार ने पलटी मारी और रातों रात राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। सुबह सुबह शपथ ग्रहण हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन ये सब ड्रामा साबित हुआ और शरद पवार राजनीति के बड़े चाणक्य बन गए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। ठाकरे परिवार से कोई भी शख्स पहली बार मुख्यमंत्री बना। बीजेपी की चौतरफा किरकिरी हुई। कर्नाटक में जुलाई महीने में जेडीएस और कांग्रेस के 17 विधायकों ने कुमारस्वामी सरकार से बगावत करके सरकार गिरा दी। बाद में बीजेपी ने विधानसभा में बहुमत साबित कर बीएस येदुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाई। फिर 5 दिसंबर को कर्नाटक में 15 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनावों में बीजेपी ने 15 में से 12 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा की कुर्सी बचा ली। यानी कि कर्नाटक में एक बड़ा खेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो खेल शरद पवार ने महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में बीजेपी ने किया। साल का आखिरी चुनाव हाल ही में झारखंड में हुआ, जहां CAA और NRC और जम्मू कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने खूब वोट बटोरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग CAA और NRC का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आप कपड़े देख के पहचान सकते हैं। बहरहाल खूब धर्म का खेल हुआ, दो समुदायों को बांटने की कोशिश हुई। लेकिन यहां जब नतीजे सामने आए तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया। झारखंड में JMM कांग्रेस RJD गठबंधन को बहुमत से ज्यादा सीटें मिली और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। और जनता ने PM मोदी और अमित शाह को सीधा संदेश दिया कि मंदिर और जम्मू कश्मीर और हिंदू मुसलमान, इन सब मुद्दों से ज्यादा युवाओं को रोजगार, भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता है। 2019 खत्म होते होते बीजेपी के हाथों से एक और राज्य निकल गया। मार्च 2018 तक देश के राज्य सरकारों का नक्शा कुछ इस प्रकार से था, जहां तकरीबन 70% आबादी ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन 2019 आते आते देश का नक्शा कुछ यूं बदल गया कि अब महज 35% आबादी पर बीजेपी का राज बचा है। तो 2019 ने राजनीति के मामले में क्या संदेश दिया नेताओं को और जनता को? नेताओं को यह संदेश कि घमंड, अहंकार और धर्म के नाम पर राजनीति का दौर खत्म हो रहा है और असली मुद्दों का दौर शुरू हो रहा है। आर्थिक मंदी पर ध्यान दीजिए, महंगाई को काबू में रखिए, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान रखिए, बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, उस वादे को निभाइए। जो भी वादे आपने किए हैं, जनता से जुड़े हुए स्थानीय मुद्दों को लेकर उसे पूरा कीजिए। यह है राजनीति के मामले में 2019 का संदेश। नमस्कार।